दादा सवाल खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये जो हमारा एपिसोड है एकदम स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि आने वाले हफ्ते में चिल्ड्रंस डे है, यानी बच्चों का दिन है। तो कुछ ऐसी रेसिपीज जो बच्चों को जरूर पसंद आएंगी। वैसे ये एपिसोड शूट करने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की, काफी लोगों से पूछा कि चिल्ड्रंस डे स्पेशल में क्या बनाया जाए। काफी लोगों को मिला, बच्चों को मिला, उनकी माताओं को मिला। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई वो ये कि जो मदर्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए खाना बनाने में। तो आज ऐसी रेसिपीज जो बनाने में सिंपल हैं बच्चों को पसंद आएंगी। देखते हैं किस तरह से इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत डिफिकल्ट है। मैं बहुत सालों से होटल में काम कर रहा हूं, लेकिन बच्चों के लिए जो खाना है वो बहुत आसानी से नहीं बनता, क्योंकि जो बच्चों के मूड होते हैं उसको ध्यान में जरूर रखना पड़ता है। खैर, कोशिश करते हैं आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल में कुछ आसान चीजें बनाने की जो बच्चों को जरूर पसंद आएगी। शुरू करते हैं इडली से। अब इडली में क्या आप नया कर सकते हैं? बच्चों को पसंद आती है इडली, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर और एक्साइटमेंट डाला जाए तो बच्चों को और ज्यादा मजा आएगा। खैर, जो बड़े हैं उन्होंने इडली पहले नहीं देखी, तो आज एक बार फिर देखिए इडली, लेकिन आज स्पेशली बच्चों के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें चावल को सोक करना है। ये जो चावल है ये स्पेशल चावल है, यानी ये जो चावल है बॉइल्ड राइस आपने इस्तेमाल करना है, उसी से इडली अच्छी बनती है। इसको अच्छी तरह से करीब 6 से 8 घंटे तक सोक कर लें। और इसी तरह से उड़द दाल, इसको भी हमने सोक करना है अच्छी तरह से। तो इसको हमने पीसना है दोनों चीज़ों को भिगो के। और इसका जो आटा है आप ध्यान रखें एकदम महीन नहीं पीसें, थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए। यहाँ पर हमने पीस के रखा हुआ है, ये देखिए। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम पतली या एकदम गाढ़ी नहीं हमने रखनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रिक ये है, जब आप इसको फर्मेंट करें, ये जो बैटर है ये फर्मेंट जो करना है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो इसको फर्मेंटेशन जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाती है। आप इसको हॉट ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर फर्मेंट करें, जल्दी फर्मेंट होगा, अच्छा फर्मेंट होगा, आपकी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। खैर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते क्योंकि चिल्ड्रंस डे स्पेशल है, अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो आप खाने में मतलब रखिए, आप इस साइंस के पीछे मत जाइए, ये आप छोड़ दीजिए बड़ों के लिए। खैर, अब हम आते हैं वापस इडली में। बच्चों के लिए इडली में कुछ एक्साइटमेंट किस तरह से हम ला सकते हैं? देखिए, यहां पर ये जो इडली का मोल्ड है ये हमने इस तरह के लिए हैं जिसमें इडली छोटी छोटी बनेगी। आप ट्राई करके देखिए, मैंने घर पे बहुत ट्राई किया है। जब भी कभी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो स्पेशली बच्चों के लिए बनती है तब उनको ज्यादा मजा आता है। हम नॉर्मली खाना बनाते हैं जिस तरह से हम खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ी सी मिर्चें कम कर देते हैं और कहते हैं ये बच्चों के लिए। नहीं, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे, जैसे ये मोल्ड हम लेके आए हैं जिसमें छोटी छोटी इडली बनेगी, तो बच्चों को एक्साइटमेंट होगी कि ये खास तौर से हमारे लिए आई है। खैर, इसके लिए तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि ये मुझे किसी ने दिया था, एक मित्र हैं होटल में हमारे, उनके खैर काफ़ी सारे होटल हैं, विट्ठल कामत जी, उन्होंने मुझे ये दिया था बच्चों के लिए और हमारे घर में ये बहुत हिट है। तो खैर, इस तरह से हम एक्साइटमेंट ला सकते हैं सिंपल सी चीज़ इडली में। अब इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले ये जो मोल्ड है उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। ये जो बैटर है उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप बैटर फर्मेंट कर रहे हो तो उस समय उसमें नमक नहीं डालें, क्योंकि नमक से फर्मेंटेशन कम होती है। इसलिए जब बैटर तैयार हो जाए, फर्मेंट हो जाए, उसके बाद उसमें नमक डालकर तब आप उसे मिक्स करें। अब इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए ये इडली पॉट हमने लिया है, इसमें आप पानी डाल लें। इसमें करीब 1.5 से 2 इंच तक पानी हमने डाला है और पानी को गर्म कर देते हैं। और तब तक ये जो बैटर हमारे पास है वो इसके अंदर हम डालते हैं। ये बाकी में भी हम इडली डाल देते हैं। खैर, ये तो नॉर्मल इडली बन जाएगी, इसमें थोड़ा सा चाहें तो हम न्यूट्रिशन और ऐड कर सकते हैं। गाजर आप ले लें और गाजर को ग्रेट कर दें। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके ऊपर भी ग्रेट कर सकते हैं इस तरह से, और घबराएं नहीं, जो थोड़ी सी गाजर बीच में रह गई है
कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ी सी गाजर है, इस तरह से आसानी से हो जाता है, नहीं तो उठा के डालने में थोड़ा समय लगता है। ये तो हमने गाजर वाली तैयार कर ली, इसके बाद ये बैटर और ले लेते हैं हम, और इसमें आप मिला सकते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहें तो कैबेज भी डाल सकते हैं। अब ये जो बैटर है इसे हम डाल लेते हैं, इसमें हमने धनिया डाला है, यानी अलग अलग कलर की इडली आपको मिलेगी, आपको यानी बच्चों को, वैसे आप भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के नाम से हम करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, हम कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे कर जाते हैं बच्चों के नाम से। मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोग मुझे मिलने आते हैं, और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जितनी मदर्स होती हैं वो बच्चों के नाम से मुझे मिलने आती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे को आपका शो बहुत पसंद है, इसलिए आपको मिलाने आई हैं। अब मुझे समझ नहीं आता बच्चे को मिलना होता है या उनको खुद को, खैर मैं जानता नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों के नाम से मिलते हैं मुझसे। खैर मुझे अच्छा लगता है चाहे किसी की वजह से मिले। इसके बाद थोड़ी और इडली हम बनाते हैं, और ये बैटर में हम हल्दी डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी, ताकि ये जो इडली है उसका रंग चेंज हो जाए। इसे भी इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये जो इडली का बैटर है, देखिए तीन तरह की इडली। अब ये जो इडली हमने बनाई है, आप चाहें तो इसके ऊपर किशमिश रख सकते हैं सबके ऊपर, वैसे आप चाहें तो कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं, कटे हुए काजू भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम पकाएंगे, और इन इडली को हमने स्टीम करना है। और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, ढक्कन लगाने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से आप स्टीम करने दें। वैसे आप चाहें तो इस तरह से जैसे हमने छोटी इडली बनाई है, आप बड़ी इडली में भी वेरिएशन कर सकते हैं। बच्चों को कुछ नयापन होने से मजा आता है, टेस्टी लगती है, कुछ एक्साइटमेंट होती है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि नयापन सिर्फ बच्चों को अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। ऐसे में बहुत सारे बड़े जानता हूं जो नयापन हर चीज में चाहते हैं, शादी में भी चाहते हैं। खैर उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, खाने में नयापन जरूर करें। आज तो बच्चों के लिए इडली से शुरुआत की है, आगे देखते हैं कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया चीजें। इसमें एक रेसिपी आपकी भेजी हुई भी है, यानी विनिंग रेसिपी। अभी तो आप ध्यान दें इन इडली के ऊपर, और इसके बाद नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद इसका रीकैप। मिनी इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.25 कप पार बॉयल चावल, 3/4 कप उड़द दाल, नमक स्वादानुसार, 1 गाजर ग्रेट की हुई, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इडली मोल्ड के लिए थोड़ा सा तेल। सबसे पहले चावल को 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखें, इसके साथ साथ उड़द दाल को भी करीब 6 से 8 घंटे तक भिगो लें। इसके बाद दोनों को थोड़ा कुरकुरा पीस लें। अब बैटर को फर्मेंट होने के लिए रात भर के लिए रख दें। इडली मोल्ड को ग्रीस कर लें तेल से। यदि आप छोटे साइज की इडली बनाना चाहें तो छोटे मोल्ड लें। अब बैटर में नमक डालें और उसके बाद बैटर के 3 हिस्से कर लें। एक में हल्दी पाउडर डालें, दूसरे में किशमिश और तीसरे में बारीक कटा हुआ हरा धनिया। प्लेन बैटर को मोल्ड में डालें और ऊपर से कुतरी हुई गाजर डाल दें। इसके बाद इडली के बर्तन में 1.5 से 2 इंच तक पानी भरें और करीब 10 से 12 मिनट तक इडली को स्टीम करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना के आज के इस चिल्ड्रंस डे स्पेशल में मैं संजीव कपूर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हमने कुछ इडली देखी, अब बारी आती है आपकी अपनी रेसिपी की। ये बच्चों के लिए काफी अप्रोप्रिएट है, और ये रेसिपी है ब्रेड की भेल। इसके लिए आपको थोड़ी सी असेंबली करनी पड़ेगी, और उसके बाद देखेंगे कितनी आसानी से ये तैयार हो जाएगी और बच्चों को जरूर पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसके आप किनारे काट लें। इसके बाद इसे हम काटेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस हमने करने, यानी जिस तरह से सूप में क्रूटॉन्स आप बनाते हैं उसी तरह से ब्रेड के आपने पीसेस काटने हैं।
अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो बच्चे टोमेटो सूप इसीलिए पीते हैं क्योंकि उसमें जो ब्रेड के क्रूटॉन्स होते हैं वो उनको बहुत पसंद आते हैं। तो ये जो भेल है उसमें भी ये क्रूटॉन्स डालेंगे। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा तेल लेकर उसमें तल सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इसे हम फ्राई कर देंगे। अब देखिए जो पीसेस हैं ब्रेड के ये काफ़ी लाल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये जो ब्रेड है इसमें तेल कितना कम लगा है, और अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये काफ़ी क्रिस्प भी हो गए हैं, इसका रंग भी बढ़िया हो गया है और बच्चों को भी पसंद आएंगे। वैसे जो रेसिपी हमारे पास आई है रीटा जी की उसमें उन्होंने इसे डीप फ्राई किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से ब्रेड को तैयार कर दें। अब ये ब्रेड के पीसेस तैयार हो चुके हैं, इसको हम ले लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए इसे। अब ये जो ब्रेड है इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, और बच्चों की पसंद का थोड़ा सा आप ध्यान दें, यदि बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इसके अंदर नहीं डालें क्योंकि सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। कटे हुए टमाटर, खीरा कटा हुआ कुकुम्बर, चॉप्ड कुकुम्बर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटे हुए आलू, उबले हुए आलू, बच्चों को आलू बहुत पसंद आते हैं, उबले हुए आलू। आलू के बाद आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, आप इसके अंदर स्प्राउटेड बीन्स डाल सकते हैं, स्प्राउटेड मूंग डाल सकते हैं। यहां पर इसमें हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ सेब, ये देखिए छिलके के साथ लेकिन एकदम महीन चॉप किया है, और इस तरह से इसका रंग रहे इसलिए थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर हमने निचोड़ा है, इसको डालते हैं, खट्टा मीठा सेब। और अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें, और अब इसमें आप डालें क्रश्ड पीनट, नमक और इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसके बाद ऊपर से सेव डाल दें आप और थोड़ा सा हरा धनिया। ये लीजिए तैयार हो गई आपकी ब्रेड की भेल। ये जो रेसिपी है हमारे पास आई है रीटा जी की रांची से, बहुत बढ़िया रेसिपी है, इसीलिए आपको प्राइज में मिलेगी मेरी बुक। इसी तरह से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हमें लिखकर भेजते रहें। खैर ये तो हो गई भेल की बात, आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी और टिप्स दे दी जाएं ताकि बच्चे खुश रहें। एक छोटी सी टिप, बच्चों को हम टिफिन में सैंडविच देते हैं, और सैंडविच कई तरीके के बनाए जा सकते हैं, आप उसके अंदर स्टफिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसको कुछ सजा सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सिंपल टिप, आपने ये ब्रेड के स्लाइसेस लिए, अगर इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ लगाई है, स्प्रेड लगाया है, कुछ भी लगाया है, और उसके बाद जब आप इसको डालें डिब्बे में तो उसे अगर थोड़ा सा पैक करके उन्हें दिया जाए, आप बटर पेपर ले सकते हैं, इस तरह से आपने स्लाइस लिया है तो आप इसे इस तरह से उसे पैक कर दें, और इस तरह से बटर पेपर में रैप करने के बाद आप किसी स्केच पेन या मार्कर पेन से आप इसको थोड़ा सा एक्साइटिंग बना दें बच्चों के लिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर उसमें सिर्फ एक स्माइलिंग फेस ही बना देंगे तो जब बच्चे अपने स्कूल में जाके टिफिन खोलेंगे तो हर रोज अगर आप कोई नई से नई चीज़ उसके ऊपर छोटी सी ड्रॉ कर दें तो बच्चे शेयर करेंगे और थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाएगी। अब बारी आती है जो हमने भेल बनाई थी उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करने की, और उसके बाद उसका रीकैप। ब्रेड भेल पूरी के लिए 8 ब्रेड स्लाइसेस, तलने के लिए तेल, 1 खीरा बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 से 3 आलू उबले हुए, छिले हुए और छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 सेब बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच क्रश की हुई मूंगफली, 1/2 कप तली हुई सेब और 3 बड़े चम्मच इमली की चटनी। ब्रेड भेल पूड़ी बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काट लें और इसको छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लें और इन ब्रेड के पीसेस को तल लें। इन तले हुए ब्रेड पीसेस को एक बोल में ले लें, इसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया,
कटे हुए आलू, कटे हुए सेब, क्रश की हुई मूंगफली, नमक और इमली की चटनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके ऊपर तली हुई सेब डालें और बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल। आज के एपिसोड में हमने पहली दो रेसिपी जो देखी बहुत बढ़िया थी, कुछ टिप्स थी बच्चों के लिए। अब देखते हैं कुछ मीठी चीज। ये मीठी चीज ऐसी है जिसको देखने में बच्चे बहुत खुश होंगे, बनाने में बहुत सिंपल है, बड़ों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, इससे हम बनाएंगे पेंट बॉक्स जेली। यहाँ आप देख रहे हैं तरह तरह के फ्लेवर्स की जेली पड़ी हुई है। ये ऑरेंज फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर, बहुत तरह के फ्लेवर्स मिल जाते हैं जेली के अंदर और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसको बनाना किस तरह से है, वैसे ज़्यादातर जब आप देखेंगे जेली लेते हैं तो पैकेट के ऊपर डायरेक्शंस लिखी हुई होती है। इसमें कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ जेली ले लें और जैसा पैकेट के ऊपर लिखा है उसके हिसाब से उसमें पानी डालें और इसे पानी में सिर्फ घोलना है। ये जो जेली होती है इसमें सब कुछ डला रहता है, इसके अंदर चीनी भी डली रहती है, इसलिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये एक जेली हमने तैयार कर ली है, ये देखिए ये जेली तैयार हो गई है। इसी तरह से आप बाकी जो फ्लेवर वाली जेली है उसको भी तैयार कर लें। सब फ्लेवर्स की जेली बनाने के बाद अब बारी आती है इसको सेट करने की। नॉर्मली जब भी हम जेली घर में बनाते हैं किसी बोल में सेट करते हैं या ट्रे में सेट करते हैं, लेकिन आज इसको हम सेट करेंगे बच्चों के लिए आइस ट्रे के अंदर। बच्चों को आइस से खेलने का बहुत शौक होता है तो आइस ट्रे में इसे हम सेट करेंगे। आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे यहां पर हमने पाइनएप्पल लिया है। तो आप अंदाजे से, जरूरी नहीं है कि कोई सिमेट्री होनी चाहिए, आप चाहें तो कुछ में चेरी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ग्रेप्स इसमें डाल सकते हैं, दूसरे किसी फ्रूट्स के टुकड़े डाल सकते हैं। और अब ये बाकी जो जेलीज हैं इसे हम भर देते हैं इसके अंदर। ये जो जेली है इसे इसके साथ में डालते हैं और इसी तरह से आप सारी जो ट्रे है वो भर दें अलग अलग कलर्स से। लीजिए ये तैयार हो गया है हमारा कलर पैलेट, कितना दिखने में खूबसूरत है। अब आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें सेट होने के लिए। इसको ज्यादा समय नहीं लगता सेट होने में, एक घंटे के अंदर ये सेट हो जाएगी और उसके बाद आप इसको इसी तरह से सर्व करें। अभी आप नोट करें इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। पेंट बॉक्स जेली के लिए 3 से 4 अलग अलग किस्म के जेली के पैकेट, 10 से 12 कैंड चेरीज और 3-4 पाइनएप्पल रिंग्स। पेंट बॉक्स जेली बनाने के लिए जेली पाउडर ले लें और इसमें पैकेट के ऊपर लिखी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पानी डालें और इसे घोल लें। अब इसमें कुछ कटे हुए फल डालें जैसे अनानास और चेरी। अब अलग अलग जेली को आइस ट्रे के अंदर डालकर फ्रिज में सेट कर लें। जब ये सेट हो जाए तो इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।